नमस्कार किसान भाइयों, मैं नवीन माचरा गाँव बनमंदोरी से। ये हमने PQN के मॉडल पर नरमे की फसल लगा रखी है, तो साथियों इस नरमे में हमने शुआई बीज लगाने के और कोई भी कार्य नहीं किया है, ना कोई स्प्रे, ना खाद, ना जुताई, ना कोई हराई, ट्रैक्टर नहीं चलाया इसके अंदर। और इसकी आप कंडीशन देखो, वैसे हम 3-4 साल से जहर तो बिल्कुल ही नहीं डालते, और आज के दिन ये फसल हमारी काफ़ी अच्छी है। ये देखो आप, फ्लोरिंग है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, और हमें कोई सुंडी का टेक इसमें नहीं देखने को मिला। अब कल को पता नहीं इसमें आए या ना आए, क्या कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल फसल काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल शून्य बजट की खेती है। ये देखो आप, फल फूल काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल नेचुरल, बारिश भी काफ़ी अच्छी है, कोई ड्रॉपिंग नहीं है, कोई टिंडा ख़राब नहीं है। धन्यवाद।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मैं हूं इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं शुगर केन के, जिसे हमने पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया हुआ है। और ये फील्ड जो है इसको हमने नवंबर 2021 के अंदर कैनोला के इंटरक्रॉपिंग के साथ काश्त किया था। और इसके अंदर जो रेज बेड है, रेज बेड के ऊपर सिर्फ दो लाइनें लगाई थी हमने और इसे आई बर्ड्स के साथ लगाया था। ये देखें, अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं तो ये हमने आई बर्ड्स लगाई थी, एक एक बेड के ऊपर दो लाइनें लगाई थी। और जो फासला था इसका तकरीबन 2 फीट का फासला था इसका लाइन अपना प्लांट टू प्लांट, और रॉ जो है वो 42 इंच के बेड के ऊपर दो लगी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन आपके सामने है। इस वक्त इसका कद जो है तकरीबन 5 फुट से तजावज़ कर चुका है। और ये जो वाटर चैनल थे, वाटर चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी उगी हुई थी, तो ये वाटर चैनल को अभी हमने साफ़ करवाया है। और बेड के ऊपर अलबत्ता जो है ना लाइव मल्च मौजूद है, ये देखें बेड आपको कवर ही नज़र आ रहे होंगे। तो इस वक्त पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा है। ये जो फील्ड है इसके अंदर हमने पहले कैनोला की इंटरक्रॉपिंग की थी, फरवरी के अंदर इसके अंदर से कैनोला हार्वेस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो इसके नागे थे वो भी फिल किए, और साथ ही हमने इसके अंदर टिंडे की इंटरक्रॉपिंग कर दी थी। तो हमने इसको 60 डेज़ के अंदर टिंडे की एक क्रॉप भी इससे ले ली, और उसके बाद जो ये शुगर केन था ये कंटिन्यू हो गया। तो शुगर केन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन दरमियान में आपको पता है कि साउथ पंजाब में और ख़ास तौर पे हमारे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा शूट कर गया था, 50 क्लास क्रॉस कर गया था, और उससे ना सिर्फ इसकी बर्निंग हो गई थी और बल्कि उसी दिनों इनको रूट रेस्ट का प्रॉब्लम भी आ गया था, और उसकी वजह से ये फील्ड जो है ना वो मोर देन 80% अफेक्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। मदर शूट इसकी तकरीबन बर्न हो गई थी और एक्सपेक्टेड था कि हम इसको कल्टीवेट कर दें, लेकिन यह है कि उस वक्त डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब से मशवरा हुआ, तो उनके मशवरे पर हमने इसको कंटिन्यू किया आगे और इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ रिकवर हुआ है, और इस वक्त तक ये एरिए के तकरीबन जितने भी शुगर केन्स हैं ये उसको बीट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है कद के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, ट्रिलरिंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से, और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अभी तक किसी किस्म का परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी तक हमने ना इसके अंदर सिंगल बैग एक डीएपी डाली है, ना कोई यूरिया, ना पोटाश, किसी किस्म का फोलियर, किसी किस्म का कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ माँ सिवाय पानी के, और पानी भी इसको बहुत कम लगे हैं, और बल्कि शुरू के अंदर तो हमें सख्त गर्मियों में प्रॉब्लम हो गया था, हमें पानी का मसला पता था। ये वो गन्ना है जहाँ से सरसों भी उठाई थी गन्ने के साथ, जो जितनी गन्ने की पैदावार है इतनी सरसों से उठाई थी, ये गन्ना अब उसका प्रॉफिट है। और ये साथ साथ तिल लगाए हुए हैं, ये आप तिल देख सकते हैं गन्ने के साथ ही साइडों में किनारों में ये तिल लगाए हैं, अभी अपने फूल दे रहे हैं और फ्रूट दे रहे हैं ये, और गन्ना आप देख सकते हैं माशाल्लाह गन्ना काफ़ी बेहतर हुआ है। अल्लाह इस ज़मींदार को आबाद